हम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इंडिया फॉर्म में है, इंडिया जीतेगा ऑफ कोर्स। बुमराह ऊपर से 3-4 विकेट इजीली आराम से इंजाम जाग में वो ले लेगा श्रीलंका की। यार मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि क्या कभी हमारे पास भी ऐसा कोई विराट कोहली होता। हम चाहते हैं जो हम कल विराट कोहली की सेंचुरी देख लें, बस वो प्लेयर हैं। विराट कोहली किंग है। वो उसके जो वो गिल है, उसके अलावा रोहित शर्मा है भाई, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जने प्लेयर्स आते हैं, पता चलता है प्लेयर्स आ रहे हैं। इंडिया का ऑफकोर्स कर, एक तो हम साया मुल्क है, लेकिन उसके बावजूद भी विराट कोहली फेवरेट प्लेयर है। बड़ा मजा आने वाला है, बड़ा इंजॉयमेंट आने वाली है, क्योंकि भाई हम तो बाहर हैं, बाहर होके जो मैच का मजा लेना चाहता है ना, वो मजा पता होता है कि कैसे। बुमराह की बॉलिंग जो पाकिस्तान को समझ नहीं आई, जो कि बेस्ट प्लेयर को समझ नहीं आई, तो नेक्स्ट में भी कोई समझ आने का चांस नहीं है। इंडिया ने हमें धोया है, कहना तो ये चाहिए कि भाई इंडिया को हारना चाहिए। हाँ। लेकिन भाई मैं ये नहीं कहूँगा, दिखा रहा है पाकिस्तान की उसने ठीक ठाक धुलाई की है और ये बड़े दुख की बात है। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान नमस्ते इंडिया, दिस इज योर होस्ट आमना आदिल एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कल के फाइनल के बारे में, जो कि इंडिया और श्रीलंका के दरमियान होने वाला है। तो असल में होगा क्या, देखा जाए तो दोनों टीम्स की साइड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और दोनों टीम ने ही अच्छा खासा पाकिस्तान को टफ टाइम भी दिया है लास्ट मैचेस के अंदर। लेकिन 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 कल क्या होने वाला है, हमारे पाकिस्तानी आखिर किसकी तरफ है, किसको सपोर्ट करने वाले हैं और कल का मैच पाकिस्तानी किस तरह देखना चाहते हैं, ये बहुत सारी बातें करेंगे हमारे लोगों से, हमारी आवाम से। चलते हैं उनसे बात करते हैं, अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अस्सलाम जी, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक ठाक। अच्छा राशि साहब, आज हम आपके लिए सवाल लेकर आए हैं और सवाल हमारा ये होगा कि कल है एशिया कप का फाइनल, जिसमें हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद पाकिस्तान जो है वहाँ पहुँच जाए, लेकिन 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 कुछ नहीं हुआ। हसरतें जो थी वो दिलों में रह गई, अब जो है फाइनल दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, पाकिस्तानी टीम नहीं आई। हाँ जी ऐसे ही है। तो अब कल इंडिया और श्रीलंका का फाइनल है, कौन जीतता हुआ लग रहा है आपको? देखें जी, मैं आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस के मुताबिक बताऊं तो इंडिया फॉर्म में है। ठीक है, इंडिया क्योंकि खेल रहा है, परफॉर्मेंस दिखा रहा है, पाकिस्तान की उसने ठीक ठाक धुलाई की है और ये बड़े दुख की बात है। लेकिन खैर, जो अच्छा खेलता है वो दाद पाएगा। बाकी कल श्रीलंका और इंडिया का मैच होने जा रहा है, टाकरा बड़ा ज़बरदस्त होने जा रहा है। यस। बड़ा मज़ा आने वाला है, बड़ा इन्जॉयमेंट आने वाली है, क्योंकि भाई हम तो बाहर हैं, बाहर होके जो मैच का मज़ा लेना चाहता है ना, वो मज़ा पता होता है कि कैसा मज़ा आता है, क्योंकि हम बाहर हो चुके हैं और आए दिन हमारी इंजरीज आती हैं, आए दिन हम टेंशन फ्री मजा लेंगे। हाँ, हम टेंशन फ्री मजा लेंगे और इंजरीज के साथ मजा लेंगे। हाँ। क्योंकि जाते जाते गिर गया मैं, ठुड्डा आया मैं, गिर गया मैं, जनाब बेड पे सोया हुआ था मैं, गिर गया, तो ये जो इस तरह की इंजरीज वाले भी इंजॉय करेंगे मैच को। अब तक की परफॉर्मेंस के हिसाब से क्या लगता है, कौन जीतेगा? इंडिया जीतेगा ऑफ कोर्स। क्यों? उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो उन्होंने पाकिस्तान को इतने बुरा हराया, फिर उसको श्रीलंका को हरा के, जो उनके लिए दोबारा हराना कोई मुश्किल बात नहीं है श्रीलंका को, तो इसलिए इंडिया जीतेगा। उसके अलावा उनके जो प्लेयर्स हैं, एके राहुल हो गया, बुमराह की बॉलिंग जो पाकिस्तान को समझ नहीं आई, जो कि बेस्ट प्लेयर्स को समझ नहीं आई, तो नेक्स्ट में भी कोई समझ आने का चांस नहीं है उन्हें, तो कन्फर्म है कि इंडिया अच्छे मार्जिन से जीत जाएगा। हम इंडिया को सपोर्ट करें। क्यों यार, जिस तरह हमारा श्रीलंका ने दिल तोड़े, हम कहते हैं जवाब बोलना चाहिए। उन्होंने हमें बाहर कर दिया, हमें बाहर कर दिया है, हमारे जज्बात से खेल लिया उन्होंने। तो हम चाहेंगे नहीं, अगर सीरियस देखा जाए तो श्रीलंका भी अच्छी टीम है, उसे हम राइट ऑफ नहीं करते बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह उन्होंने पहले इंडिया को टफ टाइम दिया, उसके बाद हमें बाहर कर दिया, हमारी वर्ल्ड बेस्ट टीम थी, ODI में हम नंबर वन थे, हमें जिस तरह उन्होंने बाहर किया, तो हम उसे राइट ऑफ तो कर नहीं सकते, पर हमारे दिल से ख्वाहिश है जो इंडिया मैच जीत जाए, क्योंकि अब हमारा सिर्फ टारगेट है श्रीलंका को बीट करना किसी ना किसी तरह, ये नहीं जो हम सीरीज में उन्हें बीट करें, हम उन्हें बड़े इवेंट में, हम उन्हें सीरीज में हर वक्त बीट करते हैं, वाइट वॉश करते हैं, पर हम बड़े इवेंट में उनके खिलाफ फेल हो जाते हैं। अब जितने भी हमारे मैचेस देख लें, हमने ज्यादातर श्रीलंका से मैच हारे हैं अपने बड़े इवेंट्स में, तो हम ये चाहते हैं कि श्रीलंका से अब हम अपना बदला लें किसी ना किसी तरीके से, इंडिया को हमने छोड़ दिया, अय्याशी करें। भाई देखें मैडम, मेरी बात सुने, बात सुने, ये बड़ा अहम होता है, जो आप पॉलिसी बनाते हैं, जो आप परफॉर्मेंस दिखाते हैं, वो विद इन वन डे नहीं होता, उसके लिए उनकी एक बड़ी अंथक मेहनतें होती हैं, बड़ी कोशिशें होती हैं। उनका छोटे से छोटा प्लेयर, आप कह रही हैं कि उसने सेंचुरी, भाई वो प्लेयर हैं, विराट कोहली किंग है। वो उसके जो वो गिल है, उसके अलावा रोहित शर्मा है भाई, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जने प्लेयर्स आते हैं, पता चलता है प्लेयर्स आ रहे हैं। और भाई हमारे तो बच्चे बचूंगड़े से होते हैं, पता नहीं आते कहाँ से आते हैं ये लौंडे, कहाँ से आ जाते हैं ये लोग, ठीक है, और फिर परफॉर्मेंस भी नहीं दिखाते और फिर हम परेशान हो जाते हैं और फिर हम कहते हैं यार इंजर है, और टॉस से पहले आपको बताया जा रहा है कि आप इंजर्ड हैं। बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है कि इंजरी आपको बताई जा रही है और आप जिसको इंजरी है उसको पता ही नहीं है कि इंजरी है, लेकिन टॉस से पहले आपको बता दिया गया कि आप इंजर्ड हैं। ठीक है, मुझे ये बताइए कि कल के मैच में आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? कल के मैच में भाई देखो, इंडिया ने हमें धोया है, कहना तो ये चाहिए कि भाई इंडिया को
हारना चाहिए, लेकिन भाई मैं ये नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि जो अच्छा खेले, जो अच्छा परफॉर्म करे वो दाद पाएगा। इंडिया में भाई प्लेयर्स हैं, ठीक है, इंडिया में प्लेयर हैं, हाँ श्रीलंका में भी अच्छे प्लेयर हैं, उन्होंने रिसेंटली आपके वो उसे इंडिया को हराया है, तो बड़ा अच्छा मैच खेला है उन्होंने, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इंडिया इज़ माई बेस्ट टीम, बेस्ट ऑफ लक टीम इंडिया, आप अच्छा खेलो, अच्छा परफॉर्म करो। मैं आपको ये नहीं कहूँगा, ये अपनी टीम के लिए हमारे भोले बसरी आवाम कहती है तुम जीतो यारो, हमें तुमसे प्यार है, लेकिन आपकी इंडिया वाले आपको ये नहीं कहेंगे, यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू परफॉर्म देम, तो आप अच्छा खेलते हैं इसलिए आप दाद पाते हैं। तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया को या श्रीलंका? इंडिया को ऑफकोर्स कर रहे हैं, एक तो हम साया मुल्क है, लेकिन उसके बावजूद भी विराट कोहली फेवरेट प्लेयर है ऑफकोर्स, जस्ट पहले उन्होंने परफॉर्म किया, अच्छी परफॉर्मेंस है इस पर, अच्छी परफॉर्मेंस है, बेस्ट ऑफ लक है, ठीक है, बाकी देखते हैं इंशाल्लाह कल क्या होता है। बिल्कुल ठीक है, अच्छा अच्छा खेलेगा वही जीतेगा, ये नहीं जो इंडिया की हम हाइप क्रिएट कर दें। इंडिया जिस तरह हमने अपने बैट्समैनों और बॉलरों को सर पे चढ़ाए, उनकी हालत देखी नहीं है आपने, हमारी वजह से नजर लग गई, अब हम इंडिया को ऐसे चढ़ा दें तो फिर उनको भी ऐसे हो जाना है। हम चाहते हैं जो हम कल विराट कोहली की सेंचुरी देख लें बस, तो दिली ख्वाहिश है जो इंडिया मैच जीत जाए। एक दुश्मनी अपनी तरफ, हमारी दुश्मनी तो उनसे कोई है नहीं एज अ क्रिकेट फैन, तो हम यही चाहेंगे जो कल विराट कोहली भी परफॉर्मेंस दे, रोहित शर्मा भी दे, शुभमन गिल भी दे, लेकिन शुभमन गिल ना दे, हम एक तरफ से हम ये चाहते हैं जो शुभमन गिल परफॉर्मेंस ना दे। अगर शुभमन गिल ने परफॉर्मेंस दी तो हमारे किंग का माइलस्टोन खराब हो जाना है, हमारा किंग रैंक से उसका रेड अलर्ट मिल जाए, मिल गया उसको रेड अलर्ट, क्योंकि बाबर ने सीरियस नहीं लिया, पहले सीरियस T20 में सूर्या को उसने सीरियस नहीं लिया, सूर्या ने उसकी पोजीशन खींच ली है, अब वो शुभमन गिल को भी सीरियस नहीं ले रहा, वो कहाँ से आया है और अब नंबर 2 पे आ गया वर्ल्ड का, अगर उसने एक दो सेंचुरी और मार दी तो बाबर तो पीछे चला जाएगा। भाई आप अच्छा खेलो, अच्छा परफॉर्म करो, आप फॉर्म में जा रहे हो, आपकी पॉलिसीज बड़ी अच्छी हैं, आपके मैनेजमेंट डिसीजंस बहुत अच्छे हैं, आपके प्लेयर्स अच्छे हैं, आप में एंथुसियाज्म है और आप बड़े अच्छा खेलने वाले हैं, इसी एंथुसियाज्म को आप अपनाए रखें और खेलते रहें और अपने इंडिया का नाम रोशन करते रहें। सॉरी अब भारत है आपका नाम, इंडिया सबको बता रहा है कि बेहद तैयार होकर आना, उनका होम ग्राउंड है, उनके होम ग्राउंड में रह के आएंगे। दूसरी उसके बाद जब विराट कोहली 100+ जाएगा, सेंचुरी कंप्लीट करेगा अपनी, ठीक है, बुमराह ऊपर से 3-4 विकेट्स इजीली आराम से मजाक मजाक में वो ले लेगा श्रीलंका की, तो बहुत टफ मैच है और हम भी रिलैक्स होगी, इजी होगी, देखेंगे और इंडिया का सपोर्ट करेंगे कि इंडिया जीते। और मैडम दिल के अरमान तो बड़े हैं कहने के लिए, लेकिन बात यह है कि कल के लिए विराट कोहली के लिए माई बेस्ट विशेज़ हैं, क्योंकि भाई आप अच्छा खेलते हो, अच्छा प्लेयर हो और आप अपनी टीम इंडिया की लाज रखना, ठीक है, तो आप बड़े कॉम्पिटेंट बंदे हैं यार। यार मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि क्या कभी हमारे पास भी ऐसा कोई विराट कोहली होता, हमारे पास भी कोई प्लेयर होता जो अच्छा खेलता। बाबर आजम आया था लेकिन वो इतना साबित नहीं हुआ सर। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई मैसेज देना चाहेंगे इंडियन टीम को कल के मैच से रिलेटेड? इंडियन टीम को बेस्ट विशेज है, जो अच्छा परफॉर्मेंस दें, पैनिक ना करें बस, कि वो पैनिक कर लें तो फिर उनका मिडिल ऑर्डर ऐसा जो उन्हें संभाल लेते हैं, हमारी तरह नहीं है जो बस लाइन पे लाइन लग जाती है। तो यही मैसेज होगा कि यार अच्छा खेलें, जम के खेलें, कोई चांस ना दें उनको किसी जगह पे, मैच को इजी ना लें, बस अगर इन्हीं काम किया तो बातों पे उन्होंने अमल किया तो वो मैच जीत जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू।